चलो तो अपन जो क्यूबिकल सर्किट सॉल्व कर रहे थे बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी क्यूबिकल सर्किट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन था, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका तो मैं बता दिया सर सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। सभी टाइप के क्यूबिकल सर्किट का मैं सॉल्यूशन बता दिया था। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच अपने को निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां पर मैं बोल दिया हूं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, ईच साइड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर। हर एक साइड का वैल्यू कितना है, स्मॉल आर है, तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके तो बन जाएगा ना। बताया था मैं क्यों आर से। चलो अब देखते हैं किरचॉफ लॉ का यूज करके, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो देखो यहां पे कितना साइड है, हाउ मेनी साइड हियर। कितना साइड है इसमें, सिक्स सिक्स है। सिक्स तो यहां पर जो भी करंट है वो सिक्स इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज ईच साइड हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल आर, हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। देखो अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ लॉ। ओके, एक्स टर्मिनल हो गया, ये वाई टर्मिनल हो गया। सपोज यहां से अब अपने को इक्वली करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ज्यादा इजी होगा अपन इसको सिक्स आई ले लें। अगर आई लोगे तो क्या होगा, जहां पे थ्री पार्ट में डिवाइड होगा वहां पे आई बाई थ्री आई बाई थ्री आई बाई थ्री करना पड़ेगा, फिर जहां सिक्स पार्ट में डिवाइड होगा वहां आई बाई सिक्स हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट ले लिए सिक्स आई, क्योंकि डिवीजन में अपने को इजी रहेगा। सपोज जो करेंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू सिक्स आई। अब देखो पॉइंट ए पर ये जो करंट है वो थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये तीनों पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है। समझ में आया भाई, यहां पर ये दिस करंट विल डिवाइड इन थ्री पार्ट एंड, और हर एक पार्ट फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये तुम्हारा सिमेट्रिकल है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो इक्वल कैसे करोगे, सिक्स का इधर भी टू आई, इधर भी टू आई और इधर भी टू आई। समझ में आया। पहले इसको चलो ये सर। मैं ए बी इधर कर दो, चलो सी डी ई एफ जी ऐसा। चलो तो ए से तुम्हारा करंट गया टुवर्ड सी, दैट इज टू आई। फिर ए से टुवर्ड एफ गया, ये भी टू आई। ए से टुवर्ड से इसको जी कर दो, जी गया टू आई। फिर इधर एफ के साइड गया, ये भी टू आई। अब देखो सी पर दिस करेंट अगेन डिवाइड इंटू टू पार्ट, तो सी टू डी करेंट कितना होगा आई, क्योंकि यहां तक टू आई है ना। सी टू जी भी करेंट कितना होगा आई। यहां पर देखो F पर भी दिस करेंट डिवाइड इनटू टू पार्ट, तो टू आई करेंट आ रहा है, तो F टू E करेंट का वैल्यू कितना होगा I हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ, F टू G भी करेंट का वैल्यू कितना होगा I। अब देखो ये C से G के तरफ I आ रहा है, F से G के तरफ भी I आ रहा है, ये I और ये I मिलके फिर से क्या हो गया टू आई। सिमिलरली यहां पर देखो ये तुम्हारा ये टू आई है, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट। कैसे वेदांश लेट लेट क्यों आता है। चलो देखो देखो यहां पे ये तुम्हारा टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये जी टू डी गया आई और ये भी आई, इधर हो गया टू आई करेंट। फिर यहां से
इधर ये आई और ये भी आई, यहां ज्वाइंट हुआ टू आई, फिर ये आई और आई ये भी हो गया टू आई, अगेन टू आई टू आई टू आई, क्या हो गया सिक्स आई। समझ में आया कि एक बार और बता दूं? एक बार और बता देता हूं, पूरा होच पोच हो गया होगा। ठीक है चलो देखो, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, ये विधान साहब फिर से समझ लो, तुमने लेट मत किया करो भाई। देखो यहां मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिकल सर्किट बाय यूजिंग क्रिचॉफ लॉ। अपने को क्रिचॉफ लॉ का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अभी तक तो नॉर्मल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके हम लोग फाइंड कर ले रहे थे, अब यहां पे क्रिचॉफ लॉ का यूज करके कैसे फाइंड करो? अगर ओनली आता है डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट स्पेसिफाई करेगा क्रिचॉफ लॉ तो क्रिचॉफ लॉ ही यूज करना है। हालांकि वैसे क्रिचॉफ लॉ कभी ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, फिर भी चलो तुमको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व करोगे बाय यूजिंग क्रिचॉफ लॉ। तो देखो यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ये तुम्हारा क्यूबिकल रेजिस्टेंस है। वी हैव टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये डायगोनल से इंटर कर रहा है और डायगोनल से मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर जो भी करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है आर है, और ये रेजिस्टेंस देखो हर जगह सिमेट्रिकल है। यहां से अगर थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हर एक रेजिस्टेंस अगेन फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, ये भी टू पार्ट, ये भी टू पार्ट, दैट मींस करंट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ईच पार्ट। तो हाउ मेनी साइड हियर? सिक्स साइड है। तो सपोज मैं करंट ले लिया सिक्स आई, आई भी ले सकते हो जैसे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चन दिया है उसमें आई लिया है, बट आई लेने से क्या होगा कि जब वो थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो हर एक पार्ट का वैल्यू आई बाय थ्री होगा, फिर उसके आगे आई बाय सिक्स होगा, तो थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा इसलिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाएगा, तो इसलिए सिक्स आई ले लिया। चलो तो सिक्स आई करेंट है, ये सिक्स आई करेंट गया यहां से एक्स टू ए, पॉइंट ए पर देयर आर थ्री डायरेक्शन एंड ऑल डायरेक्शन आर सिमेट्रिकल, यानी हर एक सेम टाइप का है, ऐसा नहीं कि कहीं से थ्री सर्किट बाहर निकल रहा है कहीं से टू, हर जगह अगर ये आगे है तो यहां से टू पार्ट में ये डिवाइड हुआ, ये भी एफ पर टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये भी जो डी पर टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आगे क्या हो रहा है ये टू टू पार्ट में डिवाइड होते जा रहा है। तो जो ये पॉइंट ए पर करेंट है हर एक साइड में कितना होगा? अगर ये सिक्स आई करेंट है पॉइंट ए पर, टू आई इधर, टू आई यहां भी, टू आई यहां भी, टू आई, चलो ठीक है। अब एच पर, एच पर ये करेंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? पॉइंट एच पर दिस करेंट हैविंग टू डायरेक्शन एंड बोथ डायरेक्शन इज सिमेट्रिकल, तो एच टू जी करेंट का वैल्यू कितना होगा बताओ, बता अनुसार? आई हो जाएगा, फिर एच टू ई भी करेंट का वैल्यू हो गया आई। सिमिलरली यहां पर ए टू एफ करेंट है टू आई, तो एफ टू जी करेंट का वैल्यू हो गया आई, फिर ये आई और ये आई अगेन कंबाइन हुआ कितना बना टू आई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? चलो देखो यहां पे, फिर ये 2i यहां पर आया, एक i तो इधर गया था, फिर i इधर जाएगा, यहां भी पॉइंट d पर इस साइड करेंट गया i और इस साइड आया i, d टू c i है, f टू c भी i है, i प्लस i क्या हो गया 2i, ये पॉइंट b पर मिला। फिर देखो पॉइंट ई पर क्या हो रहा है, एच से करंट आ रहा है ई के साइड कितना आई,
डी से करंट जा रहा है ई के साइड, ये भी कितना है आई है, तो ये आई और आई फिर से क्या हो गया टू आई, फाइनली टू आई टू आई टू आई अगेन कितना हो गया सिक्स आई। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन करंट का? ठीक है, चलो देखो अब इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो यूजिंग किरचॉफ लॉ इन द सर्किट एक्स ए डी सी बी वाई एक्स, एक लूप में ही लेते हैं ना किरचॉफ लॉ, एक्स टू ए गए, ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू वाई, वाई टू एक्स, ये पूरा सर्किट। ओके, हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर है। चलो देखो एक्स टू ए जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है, ए टू डी गए, करंट का वैल्यू कितना है टू आई और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है स्मॉल आर, तो टू आई और आर का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया टू आई आर, ये हो गया पॉजिटिव। डी टू सी करेंट कितना है, करेंट इज आई एंड रेजिस्टेंस इज आर, तो आई और आर का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा, प्लस आई आर। फिर सी टू बी जा रहे हैं, करेंट है टू आई, रेजिस्टेंस है आर, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव होगा, ये भी तुम्हारा हो गया टू आई आर। चलो अब इधर गए, कोई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं है, मगर हम लोग एक्स टू वाई जब गए, वी आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो ई एम एफ क्या होगा, प्लस आई की माइनस ई? When we moving from negative to positive, क्या होता है EMF? क्या लेते हैं? Plus E ना, तो plus E, okay. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 2IR, IR, IR, 5IR equal to E. ये equation number हो गया तुम्हारा 1. अब देखो, suppose equivalent resistance between A and B is capital R. यानी ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसका जो भी रिजल्टेंट है इफ इट इज कैपिटल आर, और यहां पर ये सेल है ईएमएफ ई करंट 6i, देन फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 6i इंटू आर होगा कि नहीं होगा? ये तो जो इक्विवेलेंट जो भी आएगा ना रिजल्टेंट, उसको हम लोग कैपिटल आर ले लिए हैं, कि जो भी रिजल्टेंट आएगा अगर वो कैपिटल आर है और 6i करंट फ्लो हो रहा है, तो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, ई इक्वल टू 6IR, वी इक्वल टू IR होता है ना। तो चलो कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 6IR इक्वल टू 5i स्मॉल आर, I और I कैंसिल, R इक्वल टू 5/6 स्मॉल R। ये आंसर अपना पहले भी आया था इक्विवेलेंट सर्किट वाले से। क्यों समझ में आया वेदांश, आयुष? यस सर। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व किए क्यूबिकल सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। इक्विवेलेंट वाले सर्किट से मैं पहले बता चुका हूँ, उससे भी कर सकते हो अगर स्पेसिफाइड नहीं करेगा तो। अब अगर बोलेगा भाई यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आया? ये वाला लूप लिए हम लोग एक्स टू ए, ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू एक्स, इस लूप में हम लोग सॉल्व कर लिए। क्लियर है, इसको नोट डाउन करो। कैसे लिखा था तुम? हाँ? तो पहले निकला करना सर, पहले कर जाता हूँ, वीडियो तो उतावल हो जाता है।
चलो देखो, हो गया, इसको क्लीन कर दूं मैं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। दिस इज द सर्किट, ये तुम्हारा सर्किट है। ये सारे सर्किट को मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके किरचॉफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना बता चुका हूं मैं। अब यहां पर मैं बता रहा हूं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ का यूज करके अपने को फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, ओके चलो। तो ईच साइड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस स्मॉल आर। हर एक साइड का वैल्यू कितना है? स्मॉल आर है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। चलो पहले सर्किट ड्रॉ करो, साथ साथ में करते जाओ तुम लोग प्रैक्टिस। ओके, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल सर्किट, बट यहां पर देखो जो करंट है वो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट में मिल रहा है। समझ में आ रहा है? करंट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। तो सपोज जो करंट आ रहा है, दिस करंट इज इक्वल टू 2x, 2x ले लिए। ओके, ये करंट देखो यहां से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट इसके आगे भी सिमेट्रिकल है, यानी यहां भी इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो देखो यहां पे, तो सपोज करंट कितना है, 2x है, तो इसको पहले ए बी सी डी पूरा मार्किंग कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो ए टू डी करेंट का वैल्यू कितना होगा बताओ, अगर यहां पे करेंट 2x आ रहा है, व्हाट विल बी करेंट फ्रॉम ए टू डी? एक्स होगा, इधर भी एक्स हो गया। ओके चलो मनाते जाओ साथ में, ए टू डी करेंट का वैल्यू है एक्स, इधर भी एक्स। अब देखो यहां से अगर इस साइड करेंट का वैल्यू वाई है, व्हाट विल बी करेंट फ्रॉम डी टू एच? एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? एक्स में से अगर वाई अमाउंट ऑफ करेंट इधर जा रहा है सी के साइड, तो व्हाट विल बी करेंट फ्रॉम एक्स टू एच? एक्स माइनस वाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली पॉइंट ई पर अगर ई टू एफ डायरेक्शन में जो करंट है उसका वैल्यू वाई है, तो व्हाट विल बी करंट फ्रॉम ई टू एच? ये भी तुम्हारा एक्स माइनस वाई, यस और नो? क्यों विधान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शिवांग? यस सर, आ रहा है सर। देखो ये मैं बता दे रहा हूं, ये एक्स करंट यहां 2x करंट आया, तो ये 2x क्यों लिया? क्योंकि टू डायरेक्शन में डिवाइडेड है, तो इधर भी x और इधर भी x। अब यहां पर अगर इस साइड y अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, देखो इस साइड सिमेट्रिकल नहीं है, इसीलिए मैं इसको x बाई टू नहीं लिया। जरूरी नहीं है कि उसका हाफ पोर्शन ही जाएगा, पहले वाले में सिमेट्रिकल था, इसीलिए 6i से 2i, 2i, 2i हुआ, और 2i से फिर ii करके 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। बट यहां पर ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या किया, 2x लिया। a टू d करंट का वैल्यू है x, a टू e भी x है, यहां तक सिमेट्रिकल है, इसलिए इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया। बट यहां से इस साइड का सर्किट और इस साइड का सर्किट सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है ना, कम ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है,
इसीलिए अगर करंट एक्स टू सी वाई है तो रेस्ट अमाउंट ऑफ करंट एक्स माइनस वाई कहां से कहां फ्लो होगा, एक्स डी टू एच होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली अब इस साइड तो वाई अमाउंट ऑफ करंट ही जा रहा है ना, अगर इधर करंट वाई है तो इधर भी क्या होगा एक्स माइनस वाई। अब ये एक्स माइनस वाई ये भी एक्स माइनस वाई यहां कंबाइन हुआ क्या हो गया टू इंटू एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। फिर देखो अब ये टू इंटू एक्स माइनस वाई पॉइंट जी पर आया, पॉइंट जी पर इट अगेन डिवाइड इंटू टू पार्ट, तो इधर भी तुम्हारा एक्स माइनस वाई और इधर भी हो गया एक्स माइनस वाई। क्लियर हो रहा है वन बाय वन, क्यों आयुष? अब देख इधर ध्यान से देखते जाओ, ये x माइनस वाई इधर आया और इधर y पे आ रहा है, तो व्हाट विल बी टोटल करंट x माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं होगा, इधर से x माइनस वाई और इधर से y, तो x माइनस वाई और ये वाला y प्लस वाई कितना होगा x आएगा, समझ में आया? ठीक है चलो। फिर सिमिलरली यहां से ये x माइनस वाई है और ये भी प्लस वाई, फिर से x हो गया और फिर से x प्लस x हो गया 2x। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसके बीच ये तुम्हारा सेल था जिसका EMF E है, तो अब एक लूप ले लो। लूप क्या होगा, चलो यहां पे x और ये y कर दिया, लूप ले लिया x a e f b y x x to a to e e to f f to b b to y y to x। चलो लूप में चलते हैं, इधर तुम्हारा करंट है 2x, a to b करंट का वैल्यू कितना है x है, रेजिस्टेंस r है, क्या होगा x r हो गया करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। E to F, what is current? Current है Y, resistance है R, तो यहां पर क्या हो जाएगा E to F ये plus Y R हो गया X R, फिर ये Y था ना Y R, फिर इधर आए, फिर तुम्हारा F to B ये फिर से क्या हो जाएगा X R हो गया, फिर यहां पे हम लोग कहां गए माइनस से प्लस इक्वल टू E, तो क्या हो जाएगा ये x y प्लस 2x इंटू आर इक्वल टू ई, ये इक्वेशन नंबर वन आया, समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? फिर अब ये y और x दो अलग अलग आया है ना, तो अपने को इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक और लूप ले लेते हैं, चलो एक लूप ले लिए, इसके बीच रिलेशन फाइंड करने के लूप ले रहे हैं ना, ताकि अपना जो x या y को एलिमिनेट करना है। एक लूप ले लिए तुम्हारा e f g h e, e to f f to g g to h h to e, चलो e to f कितना है करंट y है रेजिस्टेंस है r, F to G करंट है तुम्हारा X माइनस वाई और रेजिस्टेंस है R, क्या होगा ये प्लस की माइनस, करंट इधर आ रहा है हम लोग इधर जा रहे हैं, क्यों वेदांश? वेदांश है कि नहीं है? ये चला गया F to G, ये हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, साइन क्या रहेगा माइनस की प्लस, माइनस ओके। फिर G to H गए 2x माइनस y,
और ये भी हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी माइनस हो गया इनटू आर, हर जगह रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। फिर एच टू ई गए माइनस, फिर से माइनस एक्स माइनस वाई इनटू आर इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि उधर तो कोई सेल वगैरह है नहीं। चलो देखो यहाँ पे r को कॉमन निकाल लो, y माइनस x प्लस वाई माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे y प्लस वाई टू वाई फोर वाई फाइव वाई, फाइव वाई माइनस एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर बाई फाइव एक्स। ये एक रिलेशन आया, समझ में आया कि नहीं? चलो अब इस y के वैल्यू को कहां पुट करना है, इक्वेशन वन में पुट कर दो। चलो ये जो y इक्वल टू फोर बाई फाइव एक्स आ रहा है, इसको पुट करो इक्वेशन नंबर वन। तो क्या हो जाएगा 4 बाई फाइव एक्स प्लस टू एक्स इंटू आर इक्वल टू ई, यानी कितना हो जाएगा 14 बाई फाइव एक्स इंटू आर इक्वल टू ई, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? हुआ कि नहीं यहां तक क्लियर? अब फिर से सपोज ये पूरा जो रेजिस्टेंस है इसका, यानी पॉइंट ए और बी के बीच इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो और करंट तो हम लोग 2x ले लिए हैं, देन फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा ई इक्वल टू आई का वैल्यू 2x और आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा? चलो अब ये कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x into r equal to 14 by 5x into small r, ये और ये कैंसिल, तो r का वैल्यू 7 by 5r, यही पहले भी आया था हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके किए थे, तो ठीक है चलो नोट डाउन कर लो। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। कल इवनिंग में टेस्ट रहेगा, ओके? क्या गूगल फॉर्म में भेजूं कि मैं व्हाट्सएप लिंक भेजूं? ठीक है गूगल फॉर्म ठीक रहेगा। ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे को? यस सर। तो थर्सडे इवनिंग ठीक है? यस सर। मैं सोच रहा था कि कल हो जाता तो फिर परसों से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते। चलो ठीक है, दो दिन टाइम मिल जाएगा, कल इसका एक छोटा सा पोर्शन है पावर वाला वो पढ़ लेंगे और परसों जो डाउट है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो परसों इवनिंग को टेस्ट रहेगा, ओके? चलो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व होगा? यस सर। क्यूबिकल सर्किट बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। एक और था सर्किट इस टाइप से, इसको ना समझते जाओ क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत कम जगह अवेलेबल है। चलो ये तुम्हारा क्यूबिकल सर्किट है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा भी तो था ना एक ठो, इस टाइप का बताया था मैं, सेल का ईएमएफ ई है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
ओके चलो ए बी इसको पहले मार्किंग कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। ईच साइड हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल आर, हर एक साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर ये भी स्मॉल आर, हर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अपने को ए और बी के बीच फाइंड करना है इक्वलेंट रेजिस्टेंस। चलो देखो, तो सबसे पहले ये भी देखो, ये भी तुम्हारा कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके बाद सिमेट्रिकल है। ऐसे वाले के लिए हम लोग क्या लिए थे, करंट 2x लिए थे ना, अगर ये नहीं था तो करंट 2x लिए थे, क्योंकि यहां से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट ये इधर भी जा रहा है, तो क्या लेंगे हम लोग करंट को, ये ले लिए x प्लस 2y सपोज, तो इधर तुम्हारा करंट गया x और ये तुम्हारा हो गया y और ये भी हो गया y, बाकी इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पहले टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर इस साइड z है तो ये हो गया y माइनस z, सिमिलरली पॉइंट h पर इस साइड z है तो ये हो जाएगा y माइनस z, पॉइंट E पर y माइनस z, y माइनस z कंबाइन हुआ 2 × y माइनस z, ये आया पॉइंट F पर, देयर आर टू डायरेक्शन, तो y माइनस z, इधर भी तुम्हारा y माइनस z, y माइनस z और ये z मिलके हो गया y, इधर y माइनस z और ये वाला z मिलकर हो गया y, y प्लस y 2y और ये x अगेन क्या हो गया x प्लस 2y। समझ में आया कि नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया कि एक बार और बता दूं। चलो देखो, तो एक बार फिर से देख लो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है करंट का, बस इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन ही समझना है, बाकी सब बन जाएगा। कि दिस इज अ क्यूबिकल सर्किट एंड वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो इसके बीच अपन सेल लगा देते हैं, क्योंकि किरचॉफ लॉ हमेशा क्लोज लूप में ही होता है। चलो ये तुम्हारा एक्स और ये वाई हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा कर लिए। जब ये नहीं था तो हम लोग 2x लिए थे क्योंकि यहां से सिमेट्रिकल था। अब इधर भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ये करंट और ये करंट डिफरेंट रहेगा, देखो, क्योंकि यहां से इधर डायरेक्ट जा रहा है और इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट होना है, यानी करंट बिटवीन एडी एंड एई विल बी सिमिलर बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडी, क्योंकि इधर सिमेट्रिकल है तो इधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बट यहां से इक्वली नहीं होगा। तो इसको ले लिए एक्स प्लस 2y, जिसमें एक्स करंट इधर फ्लो हो गया और वाई वाई इधर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, अब ये वाई गया पॉइंट डी पर इस साइड जेड, तो ऊपर कितना जाएगा वाई माइनस जेड, सिमिलरली ये वाई पॉइंट ई पर इधर अगर जेड है तो ये कितना हो जाएगा वाई माइनस जेड, ये वाई माइनस जेड पॉइंट एफ पर कंबाइन हुआ 2 × y माइनस जेड। ओके अब ये 2 × y माइनस जेड पॉइंट जी पर टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया y माइनस जेड, इधर भी y माइनस जेड। चलो देखो, ये y माइनस जेड इधर से आया, यानी y माइनस जेड है और इधर से आके प्लस जेड वाला इधर कंबाइन हो गया, क्या बचा y, सिमिलरली y माइनस जेड यहां से आ रहा है, इधर से जेड आ रहा है, फिर से कंबाइन होगा ये वाले साइड में भी वाई, ये वाई और ये वाई मिलकर क्या हुआ 2y और इधर से एक्स आया प्लस एक्स। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। चलो तो अपन यहां पर अब अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सर्किट। तो एक लूप लेते हैं हम लोग,
कोई भी लूप ले लो पहले, चलो ये एफ जी सी डी एफ, एफ जी सी डी एफ, पहले अपन दो लूप लेके ना एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एफ टू जी करेंट का वैल्यू 2 इंटू वाई माइनस जेड, रेजिस्टेंस हो गया आर, जी टू सी वाई माइनस जेड फिर से रेजिस्टेंस हो गया आर, सी टू डी करेंट है जेड रेजिस्टेंस आर, करेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस जेड ले लिए, फिर डी टू एफ करेंट है तुम्हारा वाई माइनस जेड रेजिस्टेंस है आर, ये करंट के डायरेक्शन में, तो ये वन लूप हो गया दैट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया, किरचॉफ लॉ अप्लाई किए एक लूप में। चलो तो आर को कॉमन निकाल लो, टू वाई माइनस टू जेड प्लस वाई माइनस जेड माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y प्लस y 3y प्लस y 4y माइनस 5z इक्वल टू जीरो, यानी तुम्हारा 4y इक्वल टू 5 बाई 4z, ये एक इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर इसको वन कर दो। समझ में आया, ये पहला लूप जो लिए हैं। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लूप लेते हैं नीचे वाला, ये वाला, इसको क्लीन कर देता हूं ऊपर का। अगला जो लूप लिए ये ले लेते हैं, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, चलो ए टू बी करेंट है एक्स रेजिस्टेंस है आर, बी टू सी करेंट है वाई रेजिस्टेंस है आर माइनस साइन रहेगा, सी टू डी करेंट है जेड रेजिस्टेंस है आर ये भी माइनस साइन, डी टू ए करेंट है वाई रेजिस्टेंस है आर ये भी माइनस साइन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आर आर सब कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, ये दो इक्वेशन मार, ओके यस सर। ये यहां पर ईएमएफ ई है, तो यहां से इस इक्वेशन से काम करो, अपने को तो 2y प्लस एक्स लेके चल रहे हैं ना, जेड को एलिमिनेट कर दो, जेड को हटाना है क्योंकि यहां अपने इक्वेशन में 2y प्लस एक्स है। कैसे करोगे, यहां से z का वैल्यू z इक्वल टू 4 बाई 5y इधर पुट कर दो, तो x माइनस 2y माइनस 4 बाई 5y इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो अभी कैपिटल R लेंगे उसमें 2y प्लस एक्स आएगा, तो अपने को z को गायब करना है, तो यहां से z का वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दिए, क्या होगा देखो, x माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 4 बाई 5 यानी माइनस 6 बाई 5y इक्वल टू जीरो, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से y इक्वल टू 5 बाई 6x, इसको इक्वेशन 3। समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट है? चलो अब देखो, तो ये अपन कोई भी दो लूप से ना x और y के बीच रिलेशन कोई भी दो लूप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो लिया हूं वही लो, कहीं से भी दो लूप लेना, x और y के बीच रिलेशन फाइंड कर दिया। अब देखो यहां पर जो a और b के बीच emf कितना है, e है, रेजिस्टेंस r है, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा
एक्स आर होगा कि नहीं होगा, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ना, पैरेलल है तो ए और बी के बीच करंट है एक्स, रेजिस्टेंस है आर, तो ई इक्वल टू आई आर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब इसके बीच हम लोग अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल आर ले लें जैसे अभी तक ले रहे थे, तो भी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू टू वाई प्लस एक्स, ये भी तो होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि करंट कितना है, एक्स प्लस टू वाई है, रेजिस्टेंस आर है, तो ई एम एफ क्या हो गया, आर इंटू टू वाई प्लस एक्स, समझ में आया? अब कंपेयर कर दो और वैल्यू पुट कर दो, तो आर इंटू टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स आर, तो आर इंटू टू वाई का वैल्यू क्या है, फाइव बाई सिक्स एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स आर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर इंटू फाइव बाई थ्री प्लस वन एक्स इक्वल टू एक्स आर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट बाई थ्री इक्वल टू आर, तो कैपिटल आर इक्वल टू थ्री बाई एट आर, ये आंसर पहले आया था, अभी भी यही आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू थ्री बाई एट आर। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किससे, किरचॉफ लॉ से, हो गया, आया समझ में? ठीक है, तो ये तीनों को अच्छे से देख लेना, यही 300 क्वेश्चन तो आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो ये तुम्हारा किरचॉफ लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, और भी क्वेश्चन मैं भेजूंगा उसको बनाना, परसों टेस्ट हो गए ना, तो आज मैं और क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है, किरचॉफ लॉ के, उसको भी प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।